अंदर जाने के लिए मैं आपको टिप्स दूंगा, किसी भी एजेंट या दल्ले के चक्कर में ना पड़े, सीधे आप यहाँ से अंदर घुसे। भाई अब तुम्हारा भाई जा रहा है खौसन रोड। सो दोस्तों, जैसा कि अभी तक मैं दिखा रहा था आना प्लाजा के इस साइड का व्यू, सुखमी सॉई 127 का व्यू दिखा रहा था, इधर जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इधर की ओर, इधर की ओर जिधर की ओर मेन नाना प्लाजा है। नाना प्लाजा और एशिया का सबसे बड़ा एडल्ट प्लेग्राउंड। अंदर जाएंगे आप तो अंदर जाने के लिए मैं आपको टिप्स दूंगा, किसी भी एजेंट या दल्ले के चक्कर में ना पड़े, सीधे आप यहाँ से अंदर घुसे। मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है, आप मोबाइल लेके जा सकते हैं, मगर शूट मत करें नहीं तो आपको फाइन लग जाएगा। भी आपको शो जाना, जो भी शो देखना है वहाँ जाए, और वहाँ सिर्फ एक बियर खरीद के पिए, और जब तक आपकी बियर खत्म होगी तब तक आपको शो देखने दिया जाएगा। तो आप धीरे धीरे उसको पिए और उसके बाद शो देखें। तो दोस्तों, अगर आप नाना प्लाजा पे हैं, नाना प्लाजा घूमने हैं, तो यहाँ पे अगर आपको इंडियन भारतीय क्लब चाहिए तो आप यहाँ पे बादशाह क्लब है, बादशाह क्लब में आ सकते हैं और यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ की एंट्री फीस है 200 बाहत और उसके साथ आपको एक बियर फ्री मिलेगा। साढ़े तीन बज चुके हैं और जैसा कि हम अभी बादशाह क्लब से निकल चुके हैं और हम इसी नाना प्लाजा की वॉकिंग स्ट्रीट पे हैं, और यहाँ हर तरफ रंगी बिरंगी कन्याएं कन्याएं हैं, बड़े बुबू छोटे बुबू सब कुछ हैं। अगर आपको डांसिंग वगैरह करना है तो आप खौसन रोड चले जाइए, ठीक है, वहाँ पे आपको यूरोपियन लोग मिलेंगे, अंग्रेजन लोग मिलेंगे। और यहाँ नाना प्लाजा पे आएंगे तो यहाँ सिर्फ गपागप होता है, यहाँ आते हैं लोग शो देखते हैं नाना प्लाजा में और गपागप को उठाते हैं और ले जाते हैं, यहाँ सिर्फ चौदम पट्टी है। अगर आपको ज़िंदगी के मज़े लेने हैं या फिर इंजॉय करना है, डांस करना है, ठीक है, डांस वगैरह करना है, तो आप खौसन रोड चले जाइए, वहाँ पे डांस होता है, प्रोफेशनल लोग रहते हैं, यूरोपियन लोग रहते हैं। तो आप अगर फ़ौरन नए दोस्त बनाना चाहते हैं, इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, तो आप खौसन रोड जाएँ। अगर आप भोकाली और करना चाहते हैं तो आप नाना प्लाजा आएँ, नाना प्लाजा में आप आ जाएँ, यहाँ पे इधर उधर लौंडियों को देखें, शो देखें और फिर क्लब में गए और लड़की लेके फिर जाएँ खपा खप करें, ठीक है। दोनों ऑप्शन मैंने बता दिया, मेरा काम है बताना, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ वहाँ खौसन रोड, और खौसन रोड के पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ, वहाँ पे फुल भोकाली है कि 3 बज चुका है, बंद हो जाएगा और शायद मेरे पास समय भी कम है क्योंकि कल मेरी फ्लाइट है खराबी के लिए दिखाना। ये तो यार पहले वीडियो में यहाँ का बना चुका हूँ, लेकिन वो मेरी हार्ड डिस्क खराब हो गई तो मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है यहाँ पे यार दोस्तों।
तो थोड़ी ये कहानी है, वरना इन आँखों में सिर्फ पानी ही पानी है। तो चलिए मैं इनसे बात करता हूँ खौसन रोड के लिए। खौसन रोड, खौसन रोड 200 बाद आपको नाना प्लाजा से खौसन रोड जाने के लिए 100 बाद देना है, चाहे आप टैक्सी से जाएँ चाहे आप मोटर बाइक टैक्सी से जाएँ। तो चलिए देखता हूँ 100 बाद में मुझे कौन लेके चलता है। खौसन रोड मोहम्मद 100 100 ओके। तो आप देख सकते हैं फुल भौकाली के साथ मैं अभी नाना प्लाजा से 100 बाद में मैंने खौसन रोड के लिए कार टैक्सी मिल गई है। यहाँ पे दोस्तों वो लोग आते हैं जो यूरोपियन कंट्री से आते हैं, यहाँ सिर्फ मौज मस्ती डांस वांस, रोड पे रात भर पार्टी चलती रहती है। अगर यहाँ पे आपको भूख लगती है तो आप यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट फूड सस्ते में मिल जाते हैं, 30 से 40 बात में आप फ्राइड राइस वगैरह, चाउमीन नूडल्स वगैरह खा सकते हैं। और जो पूरा रोड देख रहे हैं यहाँ पूरे डांस भौकाली होती है, और ये लोग भी देखिए अभी लोग दारू वारू पी रहे हैं और बहुत सारा आइटम यहाँ पर बिक रहा है खौसन रोड में, ये देख सकते हैं आप। देखता हूँ यहीं से कोई लौंडिया पकड़ता हूँ। तो दोस्तों अगर आप खौसन रोड में हैं, अगर आपको भूख लगे तो यहाँ पे ऐसी प्रकार के छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए वेजिटेरियन फ्राइड राइस है 50 बाद, अभी मैं ये ऑर्डर कर रहा हूँ 50 बाद। और ये मोहतरमा है कितनी प्यारी है देखिए, लेकिन वो बोलते हैं काम जिसको गलत काम नहीं करना तो नहीं करेगा, ठीक है। ये देखिए कितनी प्यारी है, लेकिन ये अच्छा काम कर अपनी मेहनत से कमा खा रही है, दुआ लगती है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि मेरा ये वेजिटेबल फ्राइड राइस आ गया है, और इसमें इन्होंने डाला है क्या, वेजिटेबल्स और राइस, वेजिटेबल अंडर राइस, वाह टेस्ट एकदम अच्छा है। तो चलिए मैं खा के मिलता हूँ।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा आज दिन भर थाईलैंड का शूट करते करते मेरी हालत ख़राब हो चुकी है और अब मैं बिल्कुल पूरी तरह थक चुका हूँ इस काउंटर रोड में और अब बिल्कुल नहीं जा रहे, बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। क्या करें यार दोस्तों, मेहनत देखा करो यार, लाइक किया करो वीडियो यार, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो यार। एकदम हिम्मत नहीं हो रही चलने की, पता ऐसा लग रहा है बस गिर जाएं कहीं भी। वैसे कभी ऐसा भी होता है कि मतलब कहीं कहीं भी मतलब सो भी जाता हूँ, वैसे मोबाइल हाथ से गिर जाते हैं, सो भी जाता हूँ ऐसे, क्या करूँ बैठे बैठे सो जाता हूँ, इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। दिन में दिन का शूट करना, रात को शूट करना, देखता हूँ अभी कोई टैक्सी वगैरह मिलती है तो मान लेते हैं। कोइंचित बीटीएस, कोइंचित बीटीएस 200 पार 100। कोइंचित बीटीएस सुलेपर पार्टी हॉस्टल कोइंचित, या हमारी टीम 100। ओ टू था हां टू इट इज नो आई गॉट 100 आई वेर यू फाइव ओ फॉर माय फ्रेंड नो प्रॉब्लम कोइंचित बीटीएस कोइंचित ओके ओके बना ले बात है। कोइंचित लॉय नहीं हुआ है मुझे, कोइंचित यू की बना ले बात है। ओके दोस्तों अभी आप कुछ मिला नहीं तो भाई देखो जो मिला उसी में हम जा रहे हैं। ये टुक टुक है तो इस टुक टुक पर हम बैठ के जा रहे हैं अब अपने हॉस्टल। बहुत हाथ पैर गांड लौड़ा सब गोली 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 देख देख के देख देख के देख देख के ना गांड फूट चुकी है। मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तूने ये क्या किया।
तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं सुबह के 5:30 बज चुके हैं और अब यहाँ पे अंधेरा ही है बैंकॉक में। और मैं आ गया हूँ अपने, ये देखिए, सुलेम्बर पार्टी हॉस्टल, और अब मैं जा रहा हूँ सोने। ये मेरी हॉस्टल के लिए पूरा अंधेरा है, ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ सोने। मिलता हूँ आपको अब एक और नए दिन के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। अब इनको मुतानी भी लेके चलो। अगर ये ढुकने को तैयार है, छोड़ेंगे हमारे पास मोटा सा हथियार है, हम छोड़ेंगे।